वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वाले वीडियो के अंदर हम लोग जो है रिवाइज करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4, दैट इज़ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। इससे पहले मैंने आपको जो है 3 वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, उसका डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा। इन 3 वीडियोज़ वी हैव ऑलरेडी रिवाइज 3 चैप्टर्स ऑफ यूनिट नंबर 1 मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले चैप्टर का जो नाम था आपका वो था क्या, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सेकेंड वाले चैप्टर का नाम था बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशन इनकम। एंड थर्ड वाला जो चैप्टर था आपका नेशन इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। और आज हम लोग जो है रिवाइज करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4, दैट इज़ मेजरमेंट ऑफ नेशन इनकम। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा टोटल हमें 10 टॉपिक्स पढ़ने इस चैप्टर में। 10 टॉपिक्स के अंदर सबसे पहले तो हमें पढ़ना है क्या, मीनिंग ऑफ नेशन इनकम। सेकेंड टॉपिक जो आपका है क्या, वैल्यू एडेड मेथड। थर्ड जो टॉपिक है आपका इनकम मेथड। फोर्थ टॉपिक जो है आपका एक्सपेंडिचर मेथड। फिर जो फिफ्थ वाला जो टॉपिक है आपका रिकंसिलिएशन ऑफ ऑल 3 मेथड्स। टॉपिक नंबर 6 जो है वो है आपका क्या, ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट आइटम्स इन नेशनल इनकम। सेवन्थ टॉपिक जो है आपका ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट आइटम्स इन डोमेस्टिक इनकम। टॉपिक नंबर 8 जो है नेशनल इनकम एट करेंट प्राइस एंड कॉन्स्टेंट प्राइस। फिर है नॉमिनल GDP एंड रियल GDP। और लास्ट जो है आपके कई सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो आपके संदीप गर सर की बुक के अंदर जो दिए हुए हैं, वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपको मैं क्लास के अंदर कराऊंगा। तो आइए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पॉइंट बता दूं, जो टोटल 3 मेथड्स होते हैं नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के, तो इन 3 मेथड्स में हमें 3-3 टॉपिक्स पढ़ने हैं। नंबर 1 तीनों का मीनिंग, नंबर 2 स्टेप्स, नंबर 3 प्रिकॉशंस। बट वैल्यू एडेड मेथड में एक एक्स्ट्रा और पॉइंट पढ़ना होता है, दैट इज़ कॉल्ड डबल काउंटिंग प्रॉब्लम और ऑल्सो नोन एज हाउ टू अवॉइड दी डबल काउंटिंग प्रॉब्लम। तो ये क्वेश्चन थ्योरी का बनता है कि डबल काउंटिंग की जो प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, उसका मीनिंग क्या है और उसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो है टॉपिक नंबर 1 नेशनल इनकम का मीनिंग। तो नेशनल इनकम का जो मीनिंग है ना, ऑल 3 मेथड से अलग अलग डिफरेंट मीनिंग गिवन है। तो आप कोई एक भी मीनिंग याद रख लोगे, क्योंकि एग्जाम में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा भी तो नेशनल इनकम का मीनिंग लिखने को आएगा। ये नहीं आएगा कि वैल्यू एडेड से मीनिंग लिखो, एक इनकम मेथड से लिखो या एक्सपेंडिचर मेथड से लिखो। तो जो सबसे बेस्ट जो मीनिंग है वो आपका है फर्स्ट वाला, वैल्यू एडेड मेथड वाला मीनिंग। तो नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है, नेशनल इनकम इज द सम ऑफ मनी वैल्यू ऑफ नेट फ्लो ऑफ ऑल दी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है जी, मनी वैल्यू ऑफ ऑल दी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ अकाउंट और ड्यूरिंग गिवन पीरियड ऑफ टाइम। और नॉर्मली ये 1 ईयर का टाइम होता है, फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। अगर मैं इनकम मेथड से नेशनल इनकम का मीनिंग पढ़ूं तो इसके अंदर लिखा होगा क्या, सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स ऑन बाय द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री। ठीक है जी, क्या। और एक्सपेंडिचर मेथड से भी आपको पढ़ दूँ, नेट आउटपुट ऑफ कॉमोडिटीज एंड सर्विसेज फ्लोइंग ड्यूरिंग द ईयर फ्रॉम कंट्रीज प्रोडक्टिव सर्विसेज इन टू दी हैंड्स ऑफ द अल्टीमेट कंज्यूमर्स और इन टू दी नेट एडिशन टू दी कंट्रीज कैपिटल गुड्स। तो मतलब क्या है, आपको मीनिंग समझा दूँ। देखो, वैल्यू एडेड मेथड प्रोडक्शंस वाले मेथड या प्रोडक्शंस, या हम उसको बोलते हैं प्रोडक्शन मेथड भी बोलते हैं, प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं। तो वैल्यू एडेड में क्या होता है, जितने भी 3 सेक्टर्स हैं, प्राइमरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर एंड टर्टरी सेक्टर, तो तीनों सेक्टर्स का जो भी वैल्यू एड हुआ है, जो वैल्यू एक साल के अंदर ड्यूरिंग 1 ईयर जितनी भी वैल्यू एडिशन हुआ है एक कंट्री में, एक इकोनॉमी में, तो उन सभी वैल्यू का, उन सभी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का मनी के टर्म्स में जब हम वैल्यू ऐड कर देते हैं ना, तो वो आपका क्या कहलाता है, नेशनल इनकम कहलाता है। इसके अलावा इनकम मेथड में क्या है ना, इनकम बेसिकली क्या है, जैसे मान लो आप जॉब करते हो, काम करते हो, तो उस केस में जो इनकम आई है, जितने भी लोग हैं एम्प्लॉयड, उन सबकी इनकम अगर आप ऐड कर दोगे तो आपको नेशनल इनकम निकल जाएगा इनकम मेथड से। तो इसलिए सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, काम किया बदले में कोई सर्विसेज दिए उसके बदले में जो पैसे आए। फॉर एग्जांपल, देर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, राइट। और इसके बदले में इनकम क्या मिलती है, लैंड के बदले में रेंट, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट, इसके अलावा जो है आपका लेबर को वेजेस मिलता है एंड एंटरप्राइज को प्रॉफिट मिलता है। तो दीज आर दी 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और 4 फैक्टर इनकम्स भी होगा फॉर द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग फैक्टर सर्विसेज। एक्सपेंडिचर मेथड में क्या होगा ना, एक्सपेंसिव जो आप करोगे, खर्चे जो करोगे, राइट। तो खर्चे प्राइवेट सेक्टर करती है, गवर्नमेंट सेक्टर करती है, गुड्स पे करती है, कैपिटल गुड्स पे भी करती है। कैपिटल गुड्स मतलब इन्वेस्टमेंट्स आ गया आपका, ग्रॉस
डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन उसको बोलते हैं, और नेट एक्सपोर्ट बोलते हैं। इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट जब आप करते हो गुड्स एंड सर्विसेज का, तो एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट तो नेट एक्सपोर्ट आ जाता है। तो कहने का मतलब एक्सपेंडिचर में चार चीज़ें हमें ऐड करना होता है, आगे हम पढ़ेंगे। अभी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड प्लस नेट एक्सपोर्ट। तो ये इसका मीनिंग है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग सबसे पहला मेथड अपना टॉपिक नंबर टू, दैट इज कॉल्ड वैल्यू एडेड मेथड। तो वैल्यू एडेड मेथड को और भी कई सारे नेम से जानते हैं। नंबर वन, वैल्यू एडेड मेथड को हम लोग प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं, इन्वेंट्री मेथड, नेट आउटपुट मेथड, इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड एंड कॉमोडिटी सर्विसेज मेथड। अब वैल्यू एडेड मेथड से सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, आपको जो है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन करोगे तो इससे आपको GDP पे टेम्पी निकलेगा, ठीक है जी। इसके बाद वैल्यू ऑफ आउटपुट यदि नहीं गिवन होगा क्वेश्चन में, तो सेल्स और चेंज इन स्टॉक होता है, तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक करना पड़ता है। और कई बार अगर यदि आपके क्वेश्चंस के अंदर इफ इन क्वेश्चंस सेल्स इज आल्सो और यू कैन से सेल्स इज नॉट गिवन, देन उस केस में आपको क्वांटिटी गिवन रहेगा और प्राइस पर यूनिट रहेगा, तो उसको आप इंटू कर दोगे तो सेल्स निकल जाएगा। चेंज इन स्टॉक की जगह पे क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक दिया रहेगा, तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करना पड़ता है। और वैल्यू ऑफ आउटपुट जो होता है ना, उसका फार्मूला होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो अगर आप डायरेक्ट फार्मूला बनाना चाहो तो वैल्यू एडेड यानी कि GDP पेट MP का वैल्यू ऑफ आउटपुट की जगह पे अब सीधा सीधा आप सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन लिख दोगे, तो ये भी आपका फार्मूला हो जाता है। तो दोनों सेम ही होता है, कोई अलग फार्मूला नहीं। इसके अलावा मैं बात करूं कि आपको ना लास्ट में रिकंसिलिएशन भी करा देंगे। फिफ्थ नंबर जो टॉपिक हमारा है रिकंसिलिएशन ही है, कि भाई फिफ्थ नंबर टॉपिक जो रिकंसिलिएशन ही है। तो फिफ्थ नंबर टॉपिक के अंदर कि भाई सबसे पहला वैल्यू एडेड मेथड है, सेकेंड आपका इनकम मेथड है, थर्ड आपका एक्सपेंडिचर है। तो वैल्यू एडेड मेथड से GDP एट MP निकालना है हमें, इन दो चीज़ों को प्लस माइनस करके, यानी वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन करते हैं तो GDP एट MP आता है। इनकम मेथड में हमें तीन चीज़ें ऐड करनी होती हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स इनकम। इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, COI, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस OS और मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड MI। तो इससे आपको NDP एट FC निकलता है, याद रखना। सेकेंड में इनकम मेथड में NDP एट FC निकलता है, लेकिन जो थर्ड मेथड है उसके अंदर भी GDP एट MP ही निकलता है। लेकिन इसके लिए आपको चार चीज़ें माइनस करनी होती है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड नेट एक्सपोर्ट। तो फर्स्ट वैल्यू एडेड मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड में इन दोनों में GDP एट MP निकलेगा आपका पहले, तो ये जो फार्मूला है। इनकम मेथड में NDP एट FC निकलेगा, और किसी से भी आप कोई भी चीज़ निकाल सकते हो, डोमेस्टिक इनकम भी कैलकुलेट कर सकते हो, नेशनल इनकम भी कैलकुलेट कर सकते हो आसानी से। वो हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था रिलेटेड एग्रीगेट्स के अंदर, कि हाउ टू चेंज और हाउ टू कैलकुलेट नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम फ्रॉम ऑल थ्री मेथड्स, और यू कैन से फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट रिलेटेड एग्रीगेट्स। तो वो आप आसानी से निकाल सकते हो, उसके क्वेश्चंस कराएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, जब क्वेश्चंस कराएंगे लास्ट वाला टॉपिक 10th। अब हम लोग आते हैं पहले स्टार्टिंग में टॉपिक नंबर 2 पे। तो टॉपिक नंबर 2 क्या है, वैल्यू एडेड मेथड। तो वैल्यू एडेड मेथड मैंने एक्सप्लेन कर दिया, अब इसमें आ जाओ जी। इसके अंदर आपको मेनली क्या है, नंबर 1 मीनिंग। तो वैल्यू एडेड का मतलब सिंपल क्या होता है, जो भी वैल्यू ऐड होता है, जो भी वैल्यू एडिशन किया जाता है, ठीक है जी। और यदि कोई आपने रॉ मटेरियल को यूज़ करा है, इंटरमीडिएट गुड को यूज़ करा है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन को यूज़ करा है, तो उस वैल्यू ऑफ आउटपुट में माइनस करना होता है इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तब जाके वैल्यू ऐड निकलता है आपका, वैल्यू एडेड निकलता है, ठीक है जी। इसका मतलब क्या है सर, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करो तो आ जाओ जी। यहाँ पे आपको प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो इसके लिए आपको सिंपल ये एग्जांपल याद करके जाना है और ये एग्जांपल अच्छे से समझ के जाना है। सो यहाँ पे देयर आर 4 पर्सन, एक तो है मिस्टर ए फार्मर, बी है मिलर, सी है बेकर और डी है कंज्यूमर। इस केस में क्या है, देखो जो फार्मर है ना, फार्मर ने वीट का प्रोडक्शन करा, इसने किसका प्रोडक्शन करा, वीट का। इसके लिए उसने कोई भी इनपुट नहीं लगाया, यानी कि इसकी वैल्यू ऑफ इनपुट जो है वो जीरो है, कोई भी पैसे नहीं लगे। मान लो उसके खेत में अपने आप जो है वीट का प्रोडक्शन हो गया सपोज, तो कॉस्ट कुछ भी नहीं लगा, वीट का प्रोडक्शन हो गया। अब मिस्टर ए ने उस वीट को बी को सेल कर रहा है, बी कौन, मिलर, कितने रुपीज़ में, 500 में। तो उसकी वैल्यू ऑफ आउटपुट कितनी हो गई, वैल्यू ऑफ आउटपुट हो गई 500 रुपीज़। लेकिन इसकी वैल्यू एडेड कितनी हुई है, तो वैल्यू एडेड के बारे में बाद में बात करेंगे, अभी सुनो। जो उसने सेल करा है उसे हम बोलेंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट। किसको, ए ने बी को बेचा, फार्मर ने मिलर को बेचा, मिलर ने इस वीट से फ्लोर बनाया और इसको 700 में बेच दिया है, किसको, मिस्टर सी को, सी बेकर है। अब सी ने उस फ्लोर से ब्रेड बनाया
और उसने 1,000 रुपये में कस्टमर डी को बेच दिया है, 1,000 रुपये में कस्टमर डी को बेच दिया। यहाँ पे लिखा हुआ है सेल ब्रेड फॉर 1,000, सेल फ्लोर 700 एंड सेल व्हीट फॉर 500। अब हुआ क्या यहाँ पे ध्यान से देखना, तो मिस्टर ए का वैल्यू आउटपुट कितना है 500, बी का 700, सी का 1,000। कंज्यूमर तो यूज़ कर लेगा, कंज्यूम कर लेगा, उसका कोई वैल्यू आउटपुट नहीं होता। तो यदि मैं तीनों को जोड़ूंगा वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना मिला, तो सर सर वैल्यू ऑफ आउटपुट जो आया वो 2,200 आया, 2,200 वैल्यू ऑफ आउटपुट तीनों पर्सन्स का, मतलब कि सम ऑफ ऑल दी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय दी प्रोड्यूसर्स, तो ऑल प्रोड्यूसर्स ये जितने भी हैं सभी लोगों ने प्रोड्यूस करा, तो सबकी हमने जोड़ दी। अब उसमें हमें ये हो गया वैल्यू ऑफ आउटपुट, जो कितना कितना आउटपुट हुआ। अब इसमें से मुझे क्या करना पड़ेगा, इनकी इंटरमीडिएट कंजम्पशन को सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। भाई ए का तो कोई भी इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं था, वैल्यू ऑफ इनपुट 0 था। बी का इनपुट क्या होगा, जो इसने ख़रीदा है ना, जो ए से जो जितने रुपए में ख़रीदा वीट, तो वीट का कीमत है 500, तो 500 इसका क्या हो गया इंटरमीडिएट कंजम्पशन, और 500 से इसने फ्लोर बना के 700 में बेच दिया है सी को। फिर उसके बाद सी ने क्या किया, इस 1,000 रुपये को, सॉरी सी ने क्या किया, इस 700 वाले फ्लोर को यूज़ करके ब्रेड बनाया और 1,000 में इसने कंज्यूमर को सेल कर दिया। तो इसके लिए इंटरमीडिएट कंजम्पशन या वैल्यू ऑफ इनपुट 700 है, तो जब इन दोनों को ऐड करोगे तो 1,200 का, 1,200 का इंटरमीडिएट कंजम्पशन आ जाएगा। तो आपकी नेट वैल्यू एडेड कितनी आई, तो 1,000 रुपीज़, 1,000 रुपीज़ आपकी वैल्यू एडेड आई फ्रॉम ऑल दी व्हाट, ऑल दी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस करा है प्रोड्यूसर्स ने, तो ए बी सी तीनों का मिला के। और चाहो तो आप इंडिविजुअल भी निकाल सकते हो, ए के लिए वैल्यू ऑफ आउटपुट और वैल्यू एडेड भी सेम है, बी का भाई 700 में बेच रहा है और 500 में ख़रीदा है, तो उसकी वैल्यू एडेड कितनी हुई है, बी ने सिर्फ 200 रुपये ऐड करा, और सी जो है बेकर उसने 1,000 में ब्रेड बना के बेचा और ख़रीदा था 700 में फ्लोर, तो 1,000 माइनस 700 300 रुपये का उसका वैल्यू एडेड हुआ है। तो जब इन तीनों को भी आप जोड़ दोगे तो भी आपका 1,000 रुपये ही आएगा, 300, 200 एंड 500। तो सिंपल मतलब समझना, वैल्यू एडेड का मतलब क्या होता है, वैल्यू एडेड का मतलब जो वैल्यू आउटपुट किया वो नहीं होता, उस आउटपुट में इंटरमीडिएट कंजम्पशन घटाना पड़ता है, सब्सट्रैक्ट करना पड़ता है, राइट। तो यदि मैं सिर्फ और सिर्फ वैल्यू ऑफ आउटपुट जोड़ दूँ ना सभी लोगों का उस कंट्री में, किसी इकोनॉमी में, तो उसके अंदर क्या होगा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन कई बार आ जाता है, तो उसे ही हम बोलते हैं डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम। और इस डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इस डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें वैल्यू एडेड मेथड अपनाना पड़ता है। वैल्यू एडेड मेथड का मतलब वैल्यू ऑफ आउटपुट में से आप क्या करोगे, हर किसी पर्सन का कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन घटाना पड़ता है। और या तो फिर आप क्या करो, सिर्फ लास्ट वाले का वैल्यू ऑफ आउटपुट ले लो, तो वो भी आपकी वैल्यू एडेड कहलाएगी, नेट वैल्यू एडेड हो जाएगी। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के दो तरीके होते हैं, फाइनल आउटपुट मेथड एंड वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड जो हम पढ़ रहे हैं और जिससे हम क्वेश्चंस बनाएंगे, तो वैल्यू एडेड में जो भी वैल्यू ऑफ आउटपुट होता है उसमें से इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस करना होता है, और वैल्यू ऑफ आउटपुट में क्या होता है, सिर्फ लास्ट वाले पर्सन का क्या कर लो, जो सी ने फाइनल कंज्यूमर को 1,000 में बेचा था सामान, सिर्फ उसका ले लो, वो अपने आप में क्या हो जाएगा, वैल्यू एडेड हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये होता है सम ऑफ वैल्यू एडेड इक्वल्स टू सम ऑफ फैक्टर इनकम्स, और इसे ही हम बोलते हैं क्या, इसे ही हम बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। मीनिंग पढ़ लो, इन दी मेजरिंग नेशनल इनकम वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इज टू बी इंक्लूडेड, हाउएवर द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग अराइजेज व्हेन द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इज ऑल्सो इंक्लूडेड अलॉन्ग विद द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। तो इसलिए आपको वैल्यू एडेड निकालना होता है। और मीनिंग क्या था यहाँ पे, वैल्यू एडेड का मीनिंग क्या है, तो वैल्यू एडेड इज एडिशन टू दी वैल्यू ऑफ द रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल है इंटरमीडिएट कंजम्पशन है उसमें कितने का वैल्यू ऐड हुआ है, सिर्फ उसे लेना होता है बाय फॉर्म और बाय वर्चू ऑफ इट्स प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, ठीक है जी। तो ये होता है इसका मीनिंग। इसके अलावा जब आप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करोगे ना, तो एक चीज़ ध्यान रख लेना, जो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट होता है ना, अगर क्वेश्चन में गिवन रहेगा इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट, तो हर बार उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं करना है। मतलब क्या, सुनो, यदि आपके क्वेश्चन में सेल भी है और एक्सपोर्ट भी है, तो दोनों को आपको ऐड नहीं करना। कभी कभी सिर्फ सेल आता है, कभी कभी सेल प्लस एक्सपोर्ट दोनों आता है। ऑलवेज रिमेंबर, ये ऐसा मत करना कि भाई एक्सपोर्ट कभी नहीं आएगा, या ऐसा मत करना सभी क्वेश्चन में एक्सपोर्ट ऐड ही कर दो, ना। देखो,
जब डोमेस्टिक सेल्स दिया रहता है, डोमेस्टिक सेल्स ऑल्सो नोन एज इंडिविजुअल सेल्स, मैं कहता हूँ मोहन को हमने सेल करा, सोहन को बेचा, दिनेश को बेचा, तो अलग अलग सेल्स दे दे डोमेस्टिक लोगों को सेल करा, और साथ में दे दे मिस्टर जॉन फॉरनर था उसको भी सेल करा, तो भाई जो फॉरन विदेश में सेल करते हो उसे ही तो एक्सपोर्ट बोलते हो। तो ये ABC डोमेस्टिक वाले सेल प्लस एक्सपोर्ट वाला दोनों ऐड करो, सारे ऐड कर दो तो टोटल सेल आ जाएगा। लेकिन मैं बोलता हूँ क्या, मैं बोलूँ टोटल सेल्स इज 5,000 रुपीज़ एंड सेल टू मिस्टर जॉन 200 रुपीज़, तो इस टोटल सेल में वो 200 ऑलरेडी इंक्लूडेड है जो एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट टू जॉन, क्योंकि वो टोटल सेल दे दिया। तो जब टोटल सेल दिया रहेगा तो उसमें एक्सपोर्ट ऑलरेडी ऐड रहता है, तो एक्सपोर्ट को कुछ नहीं करना। लेकिन जब डोमेस्टिक सेल देगा, इंडिविजुअल सेल देगा, अलग अलग सेल देगा, तो उसमें आपको एक्सपोर्ट भी ऐड करना होता है। सेम केस इंपोर्ट के केसेस में है, इफ परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल और इंटरमीडिएट कंजम्पशन इंडिविजुअल और डोमेस्टिक इज गिवन, ए से परचेज करा, बी से करा, सी से करा, अलग अलग परचेजेस गिवन है डोमेस्टिक, और साथ में इंपोर्ट ऑफ मिस्टर 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 जॉन की जगह कोई और ले लो, मिस्टर स्मिथ से हमने परचेज करा यानी इंपोर्ट करा, तो उस केस में उस इंपोर्ट को भी आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि ये डोमेस्टिक दिया हुआ है, इंडिविजुअल दिया हुआ है। लेकिन जब आपको टोटल परचेज दे दे, टोटल परचेज दे दे, तो उसमें ऑलरेडी वो इंपोर्ट इंपोर्ट जो है वो इंक्लूडेड रहता है, तो उस केस में आपको इंपोर्ट को कुछ भी नहीं करना होता, यानी कि सब्सट्रैक्ट नहीं करना होता, दैट्स इट, ये कंसेप्ट है। तो यहाँ पे आप हाईलाइट कर लेना, जब भी डोमेस्टिक परचेजेस दिया होगा तो आपको इंपोर्ट को क्या करना है, इंपोर्ट उसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड रहता है, तो इंपोर्ट को कुछ नहीं करना। सेम यदि डोमेस्टिक सेल्स दे दे, यदि डोमेस्टिक सेल्स दे देगा, ठीक है जी, तो उस केस में ऑलरेडी जो है आपको फिर क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट को भी ऐड करना पड़ेगा। तो यदि डोमेस्टिक इंपोर्ट दे तो डोमेस्टिक परचेज दे तो इंपोर्ट भी ऐड करो, डोमेस्टिक सेल्स दे तो एक्सपोर्ट भी आप ऐड करो। ऐड का मतलब है कि उसमें कंसिडर करो, इंपोर्ट और परचेज को लेस करते हैं, एक्सपोर्ट और सेल्स को प्लस करते हैं, दैट्स इट, व्हाइल कैलकुलेटिंग GDP एट MP फ्रॉम वैल्यू एडेड मेथड। अब हम लोग बढ़ते हैं क्या स्टेप्स पे, अब स्टेप्स पे आते हैं, सुनो। तो स्टेप्स जो है आपका क्या है, तीनों मेथड्स में स्टेप्स भी है, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन स्टेप्स भी आता है और आ सकता है। तो सभी में चार ही स्टेप्स हैं, तीनों मेथड में चार ही स्टेप्स हैं नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के। वैल्यू एडेड मेथड में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना है कौन कौन सा प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्टरी सेक्टर्स के फाइनल वैल्यू एडेड को आइडेंटिफाई करना है एंड क्लासीफाई करना है। तो सबसे पहला स्टेप्स क्या है, आइडेंटिफाई एंड क्लासीफाई दी प्रोडक्शन यूनिट्स, कौन कौन सा, प्राइमरी सेक्टर का, सेकेंडरी का, टर्टरी का। फिर इन सबको जब आप ऐड कर देते हो तो आपको क्या निकलता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, मतलब कि वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो सेकेंड स्टेप में आप क्या करोगे, सेकेंड स्टेप हो गया एक तरीके से GDP एट MP निकालना, थर्ड स्टेप हो जाएगा आपका NDP एट FC, बड़ा ही आसान है, और फोर्थ स्टेप जो है NNP एट FC यानी कि नेशन इनकम, और सेकेंड NDP एट FC को ही डोमेस्टिक इनकम कहते हैं। तो पहले में तो आइडेंटिफाई एंड क्लासीफाई करो प्रोडक्शन यूनिट्स को, सेकेंड में आप GDP एट MP निकालो, थर्ड में NDP एट FC यानी डोमेस्टिक इनकम, एंड फोर्थ में नेशन इनकम निकालो। नेशन इनकम निकालने के लिए क्या करना था, पहले तो डोमेस्टिक इनकम निकालने के लिए वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, फिर आपको निकालना है डोमेस्टिक इनकम यानी NDP एट FC स्टेप थर्ड। तो आपको उसमें क्या करना पड़ेगा, डेप्रिशिएशन और NIT सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा GDP एट MP में, और लास्ट में आपको नेशनल इनकम चाहिए, तो NDP एट FC जो डोमेस्टिक इनकम आया है उसमें आप NFIA नेशनल इनकम ऐड कर दो तो आ जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग प्रिकॉशंस पे। तो नंबर वन, सबसे पहले प्रिकॉशंस क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स जो होता है ना उसे हम इंक्लूड नहीं करेंगे यानी कि एक्सक्लूड करेंगे, बिकॉज इसकी वजह से क्या होता है, इट लीड्स टू प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। तो जो इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा या जो परचेजेस आप करते हो, ठीक है, उसको हम इंक्लूड नहीं करते। सेकेंड है आपका सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स को भी हम कंसीडर नहीं करते, बट इसमें इंपॉर्टेंट बात याद रख लेना, जो इसके ऊपर कमीशन एंड ब्रोकरेज पे किया जाता है सेल पे और परचेज ऑफ सेकेंड हैंड पे, क्योंकि भाई सेकेंड हैंड गुड्स जो फर्स्ट टाइम पे जब खरीदा था ना तो उसी साल वो ऐड हो गया है नेशनल इनकम में, तो इसलिए हम उसको नहीं लेंगे जब हम दोबारा से उसको बेचेंगे तो, राइट। लेकिन जो ब्रोकरेज कमीशन है, तो ब्रोकरेज कमीशन सेकेंड हैंड गुड्स पे वो उस समय वो सर्विस दे रहा है, ठीक है जी, फैक्टर इनकम ट्रांसफर इनकम नहीं होता बल्कि फैक्टर इनकम या फैक्टर पेमेंट्स है, तो इसलिए उसको लेना होता है। तो कमीशन एंड ब्रोकरेज सेकेंड हैंड गुड्स पे जो सेल परचेज कराए वो कंसिडर करते हैं। इसके बाद है प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन, तो जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, घर पे आपकी हाउस मदर जो है, ठीक है जी, आपकी जो मदर जो है वो आपके लिए खाना बनाती हैं, तो उसको हम कंसिडर नहीं करते। लेकिन लेकिन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन है, मान लो मैंने अपने खेत के अंदर वीट का प्रोडक्शंस करा, ठीक है, राइस का प्रोडक्शंस करा, मैं अगर बेचूंगा तो पैसे आएंगे, अगर मैं बेचा नहीं उसी में से मैंने यूज़ कर लिया खुद के खाने के लिए गुड्स को,
ठीक है जी। तो भाई नहीं लेता तो कहीं ना कहीं से लेना पड़ता, तो वो आपको कंसिडर करना पड़ता है, इंक्लूड करना पड़ता है। लेकिन जो सर्विसेज होता है सेल्फ कंजम्पशन वाला, वो इंक्लूड नहीं होता, ठीक है जी। इसके अलावा क्या है, इंपोर्टेड वैल्यू ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेज, तो इसे भी इंक्लूड करते हैं। एग्जाम्पल, अगर मैंने खुद का हाउस जो है क्या कर रखा है, अपने बिजनेस में यूज़ कर रखा है, नहीं करता तो दूसरे से रेंट पे लेते तो रेंट पे करना पड़ता, तो वो भी आपको इंक्लूड करना है। चेंज इन स्टॉक ऑफ गुड्स ऑल्सो इंक्लूडेड, हमने फार्मूला में ही पढ़ा है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस चेंज इन स्टॉक। फिर आते हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, ये हमने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया है। हाउ टू अवॉइड, ये भी मैंने पढ़ा दिया आपको। अब आते हैं हम लोग किस पे, थर्ड टॉपिक, दैट इज़ कॉल्ड इनकम मेथड। अब इनकम मेथड पे आ जाओ जी। इनकम मेथड में, तो इनकम मेथड में भी आपको मीनिंग पढ़ना है, फार्मूला पढ़ना है, इसके स्टेप्स पढ़ने हैं और प्रिकॉशंस पढ़ने हैं। तो मीनिंग ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है सबसे पहले ही, इनकम मेथड का मीनिंग क्या होता है। सॉरी, इनकम मेथड, हाँ इनकम मेथड ही है ना। तो इनकम मेथड का मीनिंग क्या होता है, जितने भी फैक्टर्स पेमेंट्स हैं और यू कैन से फैक्टर इनकम जो है, उन सबका अगर आप टोटल कर लोगे ना, टोटल ऐड कर दोगे, तो आपकी क्या हो जाएगी, इनकम आ जाएगी, नेशनल इनकम आ जाएगी। और इसके लिए आपको तीन चीज़ें ऐड करनी है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉय। ऑपरेटिंग सरप्लस के लिए आपको क्या करना होता है, तीन चीज़ें ऐड करनी होती है। ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब होता है रेंट, रॉयल्टीज़, प्रॉफिट्स एंड इंटरेस्ट। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ का आपको कैलकुलेट करने के लिए दो चीज़ें ऐड करनी है, वेजेस सैलरीज एंड एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, शॉर्ट में उसको SSSB कहेंगे। और कई बार प्रॉफिट नहीं गिवन होगा तो उसके लिए कॉरपोरेट टैक्सेस प्लस डिविडेंड्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑल्सो नोन एज रिटेन्ड अर्निंग्स, इन तीन को ऐड कर दोगे तो प्रॉफिट आ जाता है। मिक्स इनकम, मिक्स इनकम के ही नाम से दिया रहता है। इफ मिक्स इनकम इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, वी अज्यूम नेल, ठीक है जी। तो आपको शॉर्ट में अगर आपको बनाना है तो COE, OS और मिक्स इनकम, इन तीन चीज़ों को अगर आप ऐड कर दोगे तो आपको निकल जाएगा NDPHFC। अब यहाँ पे और भी एक इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूँ, जो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ है, ध्यान से सुनना, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ का मतलब सिर्फ और सिर्फ वेजेस सैलरी एंड एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम नहीं होता। यदि क्वेश्चन में बोनस दे दे, यदि क्वेश्चन में रिटायरमेंट ग्रेचुटी दे दे, ठीक है जी, रिटायरमेंट पेंशन दे दे, हाउस रेंट अलाउंसेस दे दे, आपको यदि रेंट फ्री एकोमोडेशन दे दे, कन्वेंस अलाउंसेस दे दे, ठीक है जी, टिफिन अलाउंसेस दे दे, लंच अलाउंसेस दे दो, तो वो सारी चीज़ें आपको लेना पड़ता है, वो सारी चीज़ें ऐड करते हो तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज आता है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का मीनिंग क्या होता है, ध्यान से सुनना भाई। देखो, यदि मिस्टर ए कोई कंपनी में जॉब करता है, तो जॉब कर रहा है वो अपना क्या कर रहा है, मेहनत कर रहा है, सर्विसेज दे रहा है अपना, तो उसके बदले में उसको क्या मिलता है, एक तो सैलरी मिलेगा मान लो इन हैंड कैश में, तो जो कैश में मिलेगा वो सैलरी एंड वेजेस वो तो होगा ही होगा। उसके अलावा मान लो उसको कोई फोर व्हीलर आने जाने के लिए दे दिया गया फ्री में, रहने के लिए घर दे दिया कंपनी ने, या वो हर महीने रेंट भी देती है कंपनी जहाँ पे वो किराए पे रह रहा है अगर, तो उसको हाउस रेंट अलाउंस बोलते हैं। और घर अगर मान लो कंपनी ने अपना कोई फ्लैट ही दे दिया रहने के लिए, ठीक है, उसको बोलते हैं रेंट फ्री एकोमोडेशन। तो कोई भी अमाउंट इन कैश हो या इन काइंड हो, ठीक है जी, अगर कंपनी ने क्या करा, रिटायरमेंट के बाद कुछ पैसे दिए, ग्रेचुटी दिया, कंपनी ने आने जाने के लिए कन्वेंस का अलाउंस दे दिया, कंपनी ने मिस्टर ए को उसके बच्चे को पढ़ाई के लिए, चिल्ड्रेन के पढ़ाई के लिए चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंसेस दिया, ठीक है जी, लंच के लिए टिफिन अलाउंसेस दे दिया, तो सारे जो है जो कंपनी में जॉब कर रहा है उसके बदले में ही मिल रहा है, तो उसको हम बोलते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। तो इफ़ ऑल दीज थिंग्स आर गिवन इन दी क्वेश्चंस, तो सबको ऐड करना है। बट जनरली क्या है, 99% क्वेश्चन में आपको ये सारी चीज़ें नहीं दिया रहेगा, तो आपको सिर्फ दो ही चीज़ें रहता है। नंबर वन, एक तो आपको रहेगा सैलरी एंड वेजेस, दूसरा रहेगा एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू SSS, यानी कि सोशल सिक्योरिटी स्कीम। अब एक बात और बता दूँ आपको, जो एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सोशल सिक्योरिटी स्कीम है ना, याद रख लेना, इसमें तीन टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम के अंदर। नंबर वन, आपको सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन लेना है। जब भी आप कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज कैलकुलेट करोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन लेना है। यदि क्वेश्चन में एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है तो आपको नहीं कंसिडर करना है, यानी उसको नहीं लेना। बट सुनना ज़रा यहाँ पे क्या कहानी। देखो, तीन टाइप के क्वेश्चन हैं, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। तीन टाइप के क्वेश्चन हैं। मान लो एग्जाम्पल वन में सिर्फ एम्प्लॉयज का कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, ER कॉन्ट्रीब्यूशन टू SSS, ₹300। क्वेश्चन टू में एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन एंड EE मतलब एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन भी दे दिया है, 300 एंड 300, चलो ये 400 ले लेते हैं, 400 एंड 4। क्वेश्चन थ्री में सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयज की कॉन्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, 500, ठीक है। तो ये थ्री टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है मान लो।
तो इसमें एम्प्लॉयज़ की कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है, एम्प्लॉयज़ का है नहीं, तो क्वेश्चन वन में आपको सीधा सीधा वही ले लेना है 300 रुपये, वाइल कैलकुलेटिंग कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, सैलरी एंड वेज अलग से दिया रहेगा। क्वेश्चन नंबर टू मान लो इसमें क्या है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो एक्चुअली में क्या होता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन एक ही जैसा होता है, इक्वली होता है मोस्ट प्रॉब्ली। आपने नाम सुना होगा कंपनी में, जब आप जॉब करते हो ना, तो जो प्रोविडेंट फंड PF में जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, जितना एम्प्लॉयी देता है जमा कराता है, उतना ही एम्प्लॉयज़ को भी करना पड़ता है। तो इस केस में क्या है, एम्प्लॉयज़ का नहीं लेना होता, एम्प्लॉयर का लेना होता है, बिकॉज एम्प्लॉयज़ का जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है ना, वो सैलरी में ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है, इसका मेन रीज़न ये होता है। तो सिर्फ एम्प्लॉयज़ का लेना होता है, क्योंकि एम्प्लॉयर वाला एडिशनली उतना परसेंट जमा होता है। और यदि क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट है थर्ड वाला, यदि क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ इंप्लॉयज़ का कॉन्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है 500, तो इस केस में आप इसको लोगे, इसे आप ऐड करोगे एज एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन मान के। वाई सर, वाई? बिकॉज हमें जनरल अजम्पशन पढ़ना है, नॉर्मल हमें पता होना चाहिए, जितना इम्प्लॉयज़ का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है PF में, उतना ही एम्प्लॉयर का भी कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, यानी सोशल सिक्योरिटी स्कीम में। तो इसलिए अगर यदि सिर्फ एम्प्लॉयज़ का देगा, तो हम ये मानेंगे कि एम्प्लॉयज़ ने भी उतना ही दिया होगा, तो एम्प्लॉयज़ वाला हम ऐड कर रहे हैं, बल्कि ना कि एम्प्लॉयज़ वाला। तो आपको याद रखना है, एम्प्लॉयज़ की कॉन्ट्रीब्यूशन ऐड नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयज़ का होता है। यदि दोनों का दे देगा, तो दोनों का ऐड मत करना, सिर्फ एम्प्लॉयज़ वाला लेना, दैट्स इट। इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। मैंने कहा क्या, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ तो बता दिया, अब हम बढ़ते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। तो ऑपरेटिंग सरप्लस के लिए आपको तीन चीज़ें ऐड करनी है, रेंट एंड रॉयल्टीज़, इंटरेस्ट, एंड थर्ड इज प्रॉफिट। अब प्रॉफिट का मेन इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट में मेन बात है। कभी कभी क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन नहीं होगा, तो प्रॉफिट नहीं होता तो उसमें तीन चीज़ें ऐड करनी है, कॉरपोरेशन टैक्स ऑल्सो नोन एज कॉरपोरेट टैक्स, डिविडेंड एंड अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट ऑल्सो नोन एज रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स और अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट भी हम इसको बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज सेविंग्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंड रिजर्व एंड सरप्लस। होता यूँ है, देखो अगर कोई कंपनी है, सुनना ज़रा ध्यान से, तो किसी कंपनी ने 1000 रुपीज़ सपोज कोई प्रॉफिट्स कमाया, तो प्रॉफिट्स के तीन पार्ट होते हैं भाई। प्रॉफिट जितनी भी होती है ना कंपनी को, तो उस प्रॉफिट में से सबसे पहले कंपनी को टैक्स देना पड़ता है, प्रॉफिट टैक्स देना पड़ता है। प्रॉफिट टैक्स किसको, गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है। मान लो 30% के हिसाब से कंपनी ने 300 रुपये का, 1000 में से 300 रुपये का गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया, दैट इज़ कॉल्ड प्रॉफिट टैक्स, बिजनेस टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स और कॉरपोरेट टैक्स। फिर जो 700 बचा है ना, इसमें से कई बार क्या होता है, एनुअल जनरल मीटिंग होएगा बोर्ड का, कंपनी है तो बोर्ड में जनरल मीटिंग होएगा, और शेयर होल्डर्स को मान लो डिविडेंड अनाउंस कर दिया जाएगा, डिविडेंड पे करना है सपोज, तो डिविडेंड पे करना है। यदि डिविडेंड पे करना है, तो मान लो इसमें से कंपनी ने अनाउंस करा कि 350 रुपीज़ का डिविडेंड बांट दिया जाएगा, तो इसे हम बोलते हैं डिविडेंड, इसे हम बोलते हैं क्या, डिविडेंड। ओके जी, डिविडेंड। और जो पैसा बच गया है, इसे हम बोलते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स ऑल्सो नोन एज रिटेन अर्निंग्स। इसके और भी कई नाम होते हैं, सेविंग्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर्स एंड रिजर्व एंड सरप्लस। तो कहने का मतलब, जब इन तीन चीज़ों को ऐड करते हो, प्रॉफिट टैक्स 300 रुपये, डिविडेंड 350 और अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट 350, तो जाके प्रॉफिट निकलता है। यदि क्वेश्चन में प्रॉफिट ना दे और ये तीन आइटम दे दे, तो आपको तीनों ऐड कर देना है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, ध्यान रख लेना, यदि क्वेश्चन में प्रॉफिट भी दे देगा और मान लो इसमें से कॉर्पोरेट टैक्स एंड डिविडेंड भी दे दे, दो आइटम या तीनों आइटम, तो सिर्फ आप प्रॉफिट लोगे, क्योंकि जब प्रॉफिट दिया है तो सिर्फ प्रॉफिट लो। इफ प्रॉफिट इज नॉट गिवन, तो उस केस में तीनों आइटम को ऐड करना है, दैट्स इट। मिक्स इनकम गिवन रहेगा, मिक्स इनकम के नाम से ही, तो उतना ही लेना है। और कभी कभी मिक्स इनकम गिवन नहीं होगा क्वेश्चन में, तो आपको जीरो मान लेना है, मिक्स इनकम कुछ भी नहीं। फिर हम लोग बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, स्टेप्स ऑफ इनकम मेथड। तो इसमें भी चार स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपको इसमें भी सेम चीज़ें हैं, आइडेंटिफाई एंड क्लासीफाई करना है प्रोडक्शन यूनिट, यानी कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्टरी सेक्टर। थर्ड में आपको इस बार क्या निकालना है, इस बार आपको GDP एट MP नहीं निकालना। वैल्यू एडेड मेथड में सेकेंड स्टेप में GDP एट MP निकालते थे, लेकिन यहाँ पे GDP एट MP तो होता नहीं है, डायरेक्टली NDP एट FC निकलता है। तो सेकेंड स्टेप में आपको लिखना है क्या, कि आपको फिर से क्या करना है, एस्टिमेट करना पड़ेगा फैक्टर इनकम, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ कितनी है, ऑपरेटिंग सरप्लस कितनी है, ऑपरेटिंग में रेंट रॉयल्टी कितना, प्रॉफिट कितना, इंटरेस्ट कितना और मिक्स इनकम कितना। और थर्ड स्टेप वहाँ पे वैल्यू एडेड मेथड में भी था क्या, आपको निकालना है NDP at FC यानी डोमेस्टिक इनकम, यहाँ पे भी सेम है। फोर्थ स्टेप में NNP at FC यानी कि नेशन इनकम, और यहाँ पे भी वही सेम है। तो ये चार स्टेप्स हो गए, चार नंबर में या तीन नंबर में कई बार क्वेश्चंस आ रखे हैं पास्ट के आपके एग्जाम में, तो आ सकता है, इसलिए आप इसको पढ़ के जाओ। नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रिकॉशंस ऑफ इनकम मेथड। तो प्रिकॉशंस सबसे पहला है क्या, ट्रांसफर इनकम। ऑलवेज रिमेंबर, ट्रांसफर इनकम को हम लोग कंसीडर नहीं करते, ना तो ट्रांसफर इनकम ना तो ट्रांसफर पेमेंट्स। इनकम मेथड में ट्रांसफर इनकम होएगा, एक्सपेंडिचर मेथड में ट्रांसफर पेमेंट्स आएगा। ट्रांसफर इनकम या ट्रांसफर पेमेंट्स क्या होता है, एक ही चीज़ होता है। मान लो ए ने गवर्नमेंट से, ए को गवर्नमेंट से स्कॉलरशिप मिला, ए को गवर्नमेंट से ओल्ड एज पेंशन मिला,
तो ये सारी फ्री की चीज़ें होती है। ट्रांसफ़र का मतलब फ्री की चीज़ें, तो इसे हम कंसिडर नहीं करते। तो ए के लिए ट्रांसफ़र इनकम है, गवर्नमेंट के लिए ट्रांसफ़र पेमेंट्स है। तो ना तो ट्रांसफ़र इनकम ना तो ट्रांसफ़र पेमेंट। एक्सपेंडिचर मेथड में ट्रांसफ़र पेमेंट आएगा, इनकम मेथड में ट्रांसफ़र इनकम आता है। और एक होता है फैक्टर इनकम, फैक्टर पेमेंट, जो कि हमने चैप्टर वन में भी पढ़ा था, टू में भी पढ़ा था। तो फैक्टर इनकम क्या होता है, हमने कोई काम करा, मेहनत करा, उसके बदले में जो पैसे मिले तो फैक्टर इनकम, और जो दे रहा है उसको फैक्टर्स पेमेंट कहते हैं। तो जो फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, तो वो फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, उसके बदले में जो पैसे रिसीव होता है उसे हम फैक्टर इनकम बोलते हैं, और जो पैसे देता है उसे फैक्टर पेमेंट्स बोलते हैं। तो रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स। अब आ जाओ जी यहाँ पे, तो ट्रांसफ़र इनकम को कंसीडर नहीं किया जाता है क्योंकि वो फ्री की चीज़ें होती हैं। याद रख लेना है क्या क्या, जैसे किसी ने डोनेशन दिया, चैरिटी दिया, स्कॉलरशिप और ओल्ड एज पेंशन। लेकिन आपको याद रख लेना है क्या, यदि यदि रिटायरमेंट पेंशन होगा, क्योंकि वो काम करने के बदले, मेहनत के बदले मिलता है, तो उस पेंशन को आपको ऐड करना है। लेकिन ओल्ड एज पेंशन जो गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट देती है, उसे नहीं लेना होता है। इसके बाद आ जाओ जी, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स एंड सर्विसेज। तो हमने वैल्यू एडेड मेथड में भी पढ़ा था कि सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स एंड सर्विसेज कंसीडर नहीं करते हैं, बट उस पर जो ब्रोकरेज और कमीशन है उसे आप कंसीडर करते हो, यानी कि उसे इंक्लूड करोगे। फिर इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स एंड डिवेंचर, इसे भी आपको नहीं लेना, लेकिन इस पर जो ब्रोकरेज या कमीशन पे करते हो इसे आपको लेना पड़ेगा। इसके अलावा क्या है, विंडफॉल गेंस, विंडफॉल गेंस दैट मीन्स कि लॉटरी, जुआ, सट्टा, हॉर्स रेस, इन सबसे जो इनकम आती है, इसे भी हम कंसीडर नहीं करते हैं। इनपुटेड वैल्यू ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द ओनर्स ऑफ द प्रोडक्शन यूनिट्स विल बी इंक्लूडेड। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पे सिंपल बता दूँ, यदि यदि आप खुद अपने कंपनी में एज सर्विस प्रोवाइड करो, एज अ मैनेजर, एज अ ओनर, एज अ एम्प्लॉई, एज अ स्टाफ, या फिर आपके आपके ये चीज़ें आप ये समझ लो सिंपल। तो यदि आप खुद ही एज अ मैनेजर काम कर रहे हो, तो अगर आप नहीं करते हो तो किसी न किसी को रखना पड़ता, तो जो आप सर्विस एज अ इनपुटेड सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो बाय दी ओनर्स, तो उसे हम कंसिडर करते हैं। फिर है पेमेंट आउट ऑफ पास्ट सेविंग्स, तो इसे आप इंक्लूड नहीं करोगे, इंक्लूड नहीं करोगे, जैसे डेथ की ड्यूटी, गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स, तो ये सारी चीज़ें हमें नहीं लेना होता है। इसके अलावा इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है, इसे भी आप लोग कंसिडर नहीं करते हो। ये था आपका इनडायरेक्ट मेथड के प्रिकॉशंस। हमने मीनिंग भी पढ़ा, स्टेप्स भी पढ़ा, प्रिकॉशंस भी पढ़ा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपना टॉपिक नंबर फोर, दैट इज एक्सपेंडिचर मेथड। टोटल हमें 10 टॉपिक्स पढ़ने हैं, तो हम लोग बेसिकली रिवाइज कर रहे हैं। जो लोग अभी भी मेरे चैनल पे न्यू हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। मैंने सारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, सारे चैप्टर्स का रिवीजन वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो आप जाके देख सकते हो। अब आ जाओ जी एक्सपेंडिचर मेथड। तो एक्सपेंडिचर मेथड किसके हिसाब से सोचना है, आपको एक्सपेंडिचर्स के हिसाब से सोचना है कि यदि आप इनकम सारे नहीं अवेलेबल हैं, वैल्यू एडेड नहीं अवेलेबल हैं, तो आप सारे खर्चे भी ऐड कर दोगे तो भी वो नेशनल इनकम के बराबर ही आ जाएगा। तो एक्सपेंडिचर मेथड इज़ ऑल्सो नोन एज इनकम डिस्पोजल मेथड, और इसके अंदर मेनली चार कैटेगरी है, चार क्लासीफाई किया हुआ है, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज फोर कॉम्पोनेंट्स ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। नंबर वन, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट, और यू कैन से ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और फोर्थ जो कंपोनेंट होता है वो होता है नेट एक्सपोर्ट। तो जब आप इन चार चीज़ों को ऐड कर देते हो तो आपको निकल जाता है क्या, आपका निकलता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। और दीज फोर आइटम्स आर ऑल्सो नोन एज कॉम्पोनेंट्स ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। तो ये कॉम्पोनेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड या फाइनल एक्सपेंडिचर, जो मर्जी आप बोलो, कॉम्पोनेंट ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर या एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है जी, एक्सपेंडिचर मेथड, राइट। तो सबसे पहला है क्या, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो ये ध्यान रखना, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, जो हाउस होल्ड और प्राइवेट सेक्टर जो खर्चे करते हैं कंजम्पशन पे, कंजम्पशन ऑफ गुड्स पे, ठीक है जी, तो वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। यदि क्वेश्चन में कई बार प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डायरेक्टली ना गिवन होगा, तो उसकी जगह पे आपको ये दो चीज़ें ऐड करनी है, प्राइवेट हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस प्राइवेट नॉन इंस्टीट्यूशनल सर्विसिंग हाउस होल्ड प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसके अलावा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, जो गवर्नमेंट सेक्टर होती है ना, तो उनके वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, जैसे डिफेंस, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए खर्चा करती है, एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए खर्चा करती है, हेल्थ सर्विसेज, हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वगैरह के लिए खर्चा करती है बहुत सारी चीज़ें। तो जो भी एक्सपेंडिचर है बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट सेक्टर, तो वो सारे कहाँ पे आते हैं, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट या गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसके अलावा है थर्ड जो है आपका है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, जो आपने कैपिटल गुड्स पे खर्चे करे हैं, जो आपने इन्वेस्टमेंट्स करा है, जो आपने इन्वेस्टमेंट्स करा है,
और इसके अंदर आता है ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, और एक होता है चेंज इन इन्वेंट्री, ऑल्सो नोन एज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट्स। तो जो आपने कोई बिल्डिंग बनाया, कोई रोडवे बनाया, कोई अपने कैपिटल का कंस्ट्रक्शन करा, ठीक है जी, तो वो इन्वेस्टमेंट कहलाती है। तो उसे भी आपको क्या करना होता है, ऐड करना होता है वाइल कैलकुलेटिंग GDP एट MP और ये कैसे नेशनल इनकम। तो ये हमारा है थर्ड कंपोनेंट, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब इसमें चीज़ें, एक चीज़ याद रख लेना है आपको, कभी कभी क्वेश्चन में आपको ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन गिवन नहीं होता, उसकी जगह पे नेट कैपिटल फॉर्मेशन देगा, या फिर नेट कैपिटल फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, नेट मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की जगह पे नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन देगा, या फिर नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन देगा, या फिर ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन देगा। तो उस केस में क्या क्या ऐड प्लस करना है, उसके लिए आप देखो यहाँ पे मैंने और ले ली सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, कहाँ पे, यहाँ पे आ जाओ आप। जब यहाँ पे आओगे ना पेज नंबर 52 पे, तो यहाँ पे देखो एक पेज के अंदर मैंने सारे फार्मूला का चार्ट यहाँ पे बना दिया है। यदि यदि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है फिर तो अच्छी बात है, नहीं दिया होगा तो क्वेश्चन में आपको नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन देगा, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन देगा, एक सेकेंड रुको, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन देगा आपको। तो आपको क्या करना है, नेट, अरे यार ये क्या हो रहा है, हाँ जी, तो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन देगा तो आपको डिप्रेशन ऐड करना है। यदि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ना देके ग्रॉस दे दे लेकिन फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दे, तो आपको चेंज इन स्टॉक ऐड कर देना है उसमें, तो आपका ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकल जाएगा। यदि आपको नेट भी दे और साथ में फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन भी लिखा हुआ मिले, तो आपको डेप्रिसिएशन एंड चेंज इन स्टॉक दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तब जाके आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकलेगा। और कभी कभी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की जगह पे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के नाम से दिया होगा आइटम, तो वो दोनों चीज़ें सेम होती। तो ये हो गया आपका ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। उसके अलावा मैं नेट एक्सपोर्ट की बात करूँ तो बड़ा ही आसान है। नेट एक्सपोर्ट का मतलब होता है एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, जो आपने एक्सपोर्ट करा है उसमें से इम्पोर्ट माइनस कर दो, तो इट कैन बी पॉजिटिव एंड इट कैन बी निगेटिव। कई बार एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है इम्पोर्ट कम होता है, कई बार इम्पोर्ट ज़्यादा होता है एक्सपोर्ट कम होता है। वैसे जनरली जो है इम्पोर्ट ज़्यादा होता है हमारे इंडिया में, एक्सपोर्ट बहुत ही कम होता है। इसके बाद हम बात करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड के स्टेप्स की, तो इसमें भी चार स्टेप्स पढ़ने हैं आपको। नंबर वन है क्या, आइडेंटिफाई द इकोनॉमिक यूनिट्स इनकरिंग फाइनल एक्सपेंडिचर, यानी कि वो जो चार चीज़ें हमने पढ़ा ना, नेट एक्सपोर्ट, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट्स, ऑल्सो नोन एज ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि कितने कितने इन सेक्टर्स के अंदर कितने कितने, ये सेकेंड स्टेप बता दिया मैंने, कितने कितने अमाउंट जो है आपने इस पर खर्चे करें। फर्स्ट स्टेप में आपको इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ यानी हाउस होल्ड का, गवर्नमेंट का, प्रोड्यूसिंग सेक्टर्स का, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का, ये आपको आइडेंटिफाई करना है और क्लासीफाई करना है। तो सेकेंड स्टेप और फर्स्ट स्टेप ये डिफरेंट है वैल्यूएटेड मेथड और इनकम मेथड से। फोर्थ स्टेप और थर्ड स्टेप, यानी थर्ड और फोर्थ वही सेम है, थर्ड में NDPHFC, तीनों मेथड में थर्ड और फोर्थ स्टेप तो बड़ा ही आसान है, याद रख लो जी, सिमिलर है। थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, NDPHFC डोमेस्टिक इनकम निकालते हैं, फोर्थ स्टेप में हम नेशनल इनकम यानी NNPHFC निकालते हैं। और वैल्यू एडेड मेथड में क्या करते थे, वैल्यू एडेड मेथड में हम तीनों सेक्टर्स का आइडेंटिफाई एंड क्लासीफाई करते थे, कितनी कितनी वैल्यू एड करी। सेकेंड स्टेप में वैल्यू एडेड मेथड में हमने क्या किया था, GDP/MP निकाला था जो फार्मूला से। इनकम मेथड में हमने सेम तीनों सेक्टर का आइडेंटिफाई करा, इनकम ट्रांसफर इन फैक्टर इनकम। सेकेंड में हमने वहाँ पे क्या निकाला था, सेकेंड में हमने वहाँ पे कंपनसेशन ऑफ इम्प्लॉयज जो होता था, जो कॉम्पोनेंट थे उसके, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स इनकम, उसके अमाउंट निकाले थे। थर्ड स्टेप वहाँ पे भी सेम था और फोर्थ स्टेप सेम था। तो तीनों मेथड में थर्ड और फोर्थ स्टेप में क्या होता है, NDPHFC और NNPHFC निकालते हैं स्टेप्स के अंदर। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है 3 to 4 मार्क्स में, एक्सप्लेन दी स्टेप्स ऑफ इनकम मेथड या वैल्यू एडेड मेथड या एक्सपेंडिचर मेथड, तो अब आप आसानी से आंसर लिख सकते हो। अब हम लोग बढ़ते हैं प्रिकॉशंस ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। प्रिकॉशंस ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड में क्या है, ध्यान से देखो प्रिकॉशंस क्या क्या हैं। तो सबसे पहला है क्या, एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स को आप क्या करते हो, कंसीडर नहीं करोगे। एक सेकंड देना जरा, हाँ जी, तो हम लोग प्रिकॉशंस ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ रहे हैं। प्रिकॉशंस के अंदर सबसे पहला आइटम क्या है हमारा, एक तो एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स, तो हम वैल्यू एडेड मेथड में भी नहीं लेते थे, यहाँ पे भी नहीं लेना। जो भी खर्चे करोगे आप इंटरमीडिएट कंजम्पशन पे, इंटरमीडिएट गुड्स पे और परचेजेस वाले गुड्स पे, जिसको हम फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं, तो फाइनल गुड्स का हम लेते हैं, इंटरमीडिएट का नहीं लेते, तो इसलिए नॉट इंक्लूडेड। सेकेंड है आपका क्या, ट्रांसफर पेमेंट्स। ट्रांसफर पेमेंट्स देखो एक्सपेंडिचर मेथड में ट्रांसफर पेमेंट्स है, इनकम मेथड में वही ट्रांसफर इनकम्स आता है। तो ट्रांसफर वाला जो होता है वो फ्री की चीज़ें होती है, फ्री फंड की चीज़ें, तो फ्री फंड की चीज़ें हम कभी भी कंसिडर नहीं करते हैं। यानी कि ट्रांसफर इनकम के अंदर आप लिख सकते थे क्या क्या होते थे, तो डोनेशन होता था, उसके अलावा स्कॉलरशिप होता था, ओल्ड एज पेंशन होता था, गिफ्ट्स होते थे, ये सारी चीज़ें। परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स विल ऑल्सो नॉट बी इंक्लूडेड इन एक्सपेंडिचर मेथड।
तो परचेज ऑफ गुड्स जो आप करते हो सेकेंड हैंड गुड्स, तो उसको नहीं लेते। लेकिन लेकिन जो कमीशन एंड ब्रोकरेज होता है परचेज एंड सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, तो उसको हम कंसिडर करते हैं। इसके अलावा परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स इनकम मेथड में था, सेल ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स शेयर्स बॉन्ड्स डिवेंचर, सेल करोगे तो भी नहीं लेना और परचेज करते हो तो भी नहीं लेना, ठीक है जी। तो एक्सपेंडिचर मेथड में परचेज होता है, परचेज करोगे तभी तो खर्चे होंगे, लेकिन उस पर भी जो ब्रोकरेज एंड कमीशन पे करते हो उसे आप इंक्लूड करोगे, उसे आप इंक्लूड करोगे, उसे आप इंक्लूड करोगे, क्योंकि वो प्रोडक्टिव सर्विसेज होता है। इसके अलावा एक्सपेंडिचर ऑन ओन अकाउंट ऑफ प्रोडक्शन, तो जो ओन अकाउंट ऑफ प्रोडक्शन होता है, मान लो मैं अपने खेत के अंदर वीट का प्रोडक्शन कर रहा हूँ और उसमें से कुछ वीट मैंने खुद के घर के यूज़ के लिए उसमें से यूज़ कर लिया, तो मेरे को बाहर से खरीदना नहीं पड़ा, ठीक है। तो उसको आप कंसिडर करोगे एक्सपेंडिचर मेथड में, उसको एक्सपेंडिचर मानोगे। तो दीज आर दी वॉट, हाँ जी, ये हमारे प्रिकॉशन थे। अब हम बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 5, जो कि मैंने थोड़ा सा स्टार्टिंग में भी बताया था, रिकंसिलिएशन ऑफ ऑल थ्री मेथड्स। नंबर 1, देखो जी, देखो, वैल्यू एडेड मेथड से हमारा GDP एट MP निकलता है, इनकम मेथड से हमारा NDP एट FC निकलता है, दैट इज ऑल्सो नोन एज डोमेस्टिक इनकम, और आपका एक्सपेंडिचर मेथड से भी GDP एट MP निकलता है। अब इसको क्या क्या ऐड करके निकलता है, तो वैल्यू एडेड मेथड में वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन करना पड़ता है। इफ वैल्यू ऑफ आउटपुट इज नॉट गिवन, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन करना पड़ता है। इनकम मेथड में आप 3 चीज़ें ऐड करते हो, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स इनकम। कई बार कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज नहीं दिया होता है, तो उसकी जगह पे आपको वेजेज एंड सैलरी प्लस एम्प्लॉयज़ का कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन टू SSS लेना होता है। और मिक्स इनकम के नाम से होता है। ऑपरेटिंग सरप्लस की जगह पे आपको 3 चीज़ें कई बार गिवन होता है, प्रॉफिट्स, रेंट एंड रॉयल्टी, और साथ में इंटरेस्ट। और कई बार प्रॉफिट नहीं दिया होगा तो उसकी जगह पे डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। एक्सपेंडिचर मेथड में 4 चीज़ें ऐड करते हैं तो GDP एट MP आता है। नंबर 1, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और ये 4th वाला स्टार लगा लेना, क्योंकि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कई बार डायरेक्टली नहीं दिया होता है, उसकी जगह नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे देगा, या ग्रॉस और नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दे देगा, तो उस हिसाब से उसको प्लस माइनस करना होता है। और लास्ट में नेट एक्सपोर्ट। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो आपको मेनली तो इन 3 मेथड से GDP एट MP, NDP एट FC और GDP एट MP कैलकुलेट होगा स्टार्टिंग में। और सेकेंड, अगर आपको तीनों मेथड से NNP एट FC निकालना है, और याद रखना है तीनों मेथड से अगर आप NNP एट FC निकालोगे यानी नेशन इनकम, तो अमाउंट सेम आएगा, इक्वल आएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यदि आपने वैल्यू एडेड मेथड से GDP एट MP निकालना है, तो इसमें आपको 2 चीज़ें फर्दर सब्सट्रैक्ट करना है, एक तो डिप्रिशिएशन और NIT, और प्लस करना होता है NFIA, तो अब जाके आपको नेशनल इनकम आ जाता है। और ये ऑलरेडी डोमेस्टिक इनकम आया हुआ है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आप क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे NFIA, तो आपको नेशनल इनकम आ जाएगा। और इसके अंदर भी आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंडिचर मेथड में भी आपको 2 चीज़ें माइनस करना है। नंबर वन एक तो आपको डेप्रिशिएशन माइनस करना है, सेकेंड आपको NIT माइनस करना है, और आपको NFIA ये ऐड करना पड़ेगा, तब जाके आपको नेशनल इनकम आ जाएगा। तो ये था रिकंसिलिएशन ऑफ ऑल थ्री मेथड्स, राइट। अब हम लोग बढ़ते हैं अपना टॉपिक नंबर 6 पे। उसके पहले ये फार्मूला वाला बॉक्स है, तो यहाँ से आप फार्मूला देख सकते हो। सारे फार्मूले मैंने यहाँ पे कंबाइन करके लिख लिए हैं आपके लिए, लिख दिया है मतलब, ठीक है जी। अगर कोई भी दिक्कत हो, फॉर एग्जांपल डेप्रिशिएशन का दूसरा नाम कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल होता है। यदि डेप्रिशिएशन ना दिया हो तो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन माइनस नेट कैपिटल फॉर्मेशन करोगे तो आ जाएगा। इसके अलावा कॉर्पोरेट टैक्स का दूसरा नाम क्या क्या होता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को क्या क्या बोलते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकालते हैं, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैसे निकालेंगे, सरप्लस ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर, डिविडेंड, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स इनकम, कंपनसेशन, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे दे दिया है, तो ये आप यहाँ से कर लोगे। अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं कहाँ पे, टॉपिक नंबर 6 पे। तो दीज आर दी आइटम्स, और यू कैन से डिफरेंट आइटम्स, इसका हम ट्रीटमेंट नेशनल इनकम में क्या क्या करेंगे, तो इससे क्वेश्चंस 100% आएगा ही आएगा, याद रख लो। थ्योरी वाला क्वेश्चन इसी से आता है, वो 2-4 आइटम दे देगा और कहेगा बताओ जी बताओ इसको नेशनल इनकम में ऐड करेंगे कि नहीं, या फिर डोमेस्टिक इनकम में ऐड करेंगे कि नहीं, साथ में रीज़न भी बताने। तो ये 6 और 7 टॉपिक इसी का है। 6 वाले में क्या है, ये वो आइटम्स है जिसको नेशनल इनकम में हम कंसिडर करते हैं यानी इंक्लूड करेंगे। फिर इसके अलावा मैंने यहाँ पर कुछ आइटम दिया जिसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। उसके बाद जो टॉपिक नंबर 7 है, टॉपिक नंबर सेवन कहाँ गया, तो ये वो आइटम है जिसको हम डोमेस्टिक इनकम में क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, यानी वो आइटम जिसको डोमेस्टिक इनकम में लेते हैं बट नेशनल इनकम में नहीं लेते। डोमेस्टिक इनकम इंक्लूड करते हैं, नेशनल इनकम में नहीं, और यहाँ पे नेशनल इनकम में लेते हैं बट डोमेस्टिक इनकम में नहीं लेते हैं। तो कौन कौन से, आ जाओ जी क्विकली जो है आपको 2-4 आइटम बता दें। जो आपने प्रिकॉशंस पढ़ा था ना, प्रिकॉशंस
तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे आते हैं। जैसे ब्रोकरेज कमीशन, जब भी आप सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स करोगे, सेल करोगे या परचेज, तो उस पर जो ब्रोकरेज कमीशन होता है उसे हम लेते हैं निश्चित इनकम में, ठीक है जी। सर्विसेज प्रोवाइड बाय ओनर, ये सारे वही हैं जो प्रिकॉशंस पड़ा है, तो उसे भी आप लेते हो। कैपिटल फॉर्मेशन जो होता है, इसे भी आप क्या करते हो, कंसिडर करते हो। ये सारे वो आइटम हैं जो आप निश्चित इनकम में इंक्लूड करते हो। ब्रोकरेज कमीशन, सर्विसेज प्रोवाइड बाय द ओनर्स ऑफ प्रोडक्टिव यूनिट्स, कैपिटल फॉर्मेशन, इसकी रीजन इधर पे दिए हुए हैं, आप पढ़ लेना, ठीक है जी। पेमेंट ऑफ बोनस, बोनस क्यों, कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, समझ रहे हो आपको, ये सारे मैंने बताए हैं। दीज आर दी फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम इसलिए। फिर है पेमेंट ऑफ बस फेयर बाय हाउस होल्ड, प्रॉफिट्स ऑफ ओन्ड बाय एन इंडियन कंपनी फ्रॉम दी ब्रांचेज अब्रॉड, फ्री सर्विसेज ऑफ डिस्पेंसरी एजुकेशन बाय दी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन स्ट्रीट लाइटिंग, क्योंकि इसके बदले में वो टैक्सेस वगैरह कलेक्ट करती है। दी आर दी पार्ट ऑफ गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसलिए लेते हैं, ठीक है जी। जो स्कॉलरशिप पे करती है वो नहीं लेते, ओल्ड एज पेंशन जो पे करती है गवर्नमेंट उसको नहीं लेते, लेकिन ये वाली चीज़ें लेते हैं। एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय अ फॉरेन टूरिस्ट्स, इंटरेस्ट ऑन लोन पेड बाय दी कमर्शियल बैंक, तो ये सारे निश्चित इनकम में लेते हैं, ये आइटम्स को कंसिडर करते हैं, इंक्लूड करते हैं। कौन कौन से आइटम इंक्लूड नहीं करते, नंबर वन ट्रांसफर इनकम्स नहीं लेते, ट्रांसफर पेमेंट्स भी नहीं लेते, कंपलसरी ट्रांसफर पेमेंट्स, इंटरेस्ट टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, ये सारे नहीं। सेल एंड परचेज ऑफ फाइनल एसेट्स, उसका कमीशन लेते हैं लेकिन उसका सेल एंड परचेज नहीं लेते। इसके अलावा विनफॉल गेंस यानी लॉटरी, सट्टा, जुआ, हॉर्स रेसेस, ये सब नहीं लेते। नॉन मार्केट ट्रांजेक्शन नहीं लेते, इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी नहीं लेते, सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स का भी नहीं लेते। कैपिटल लॉस हो गया है कोई अपने, उसको भी हम कंसिडर नहीं करते। कैपिटल गेंस हुआ है तो कैपिटल गेंस, कैपिटल लॉस दोनों नहीं लेते। कैपिटल गेंस, कैपिटल लॉस क्या होता है, जब आप फिक्स एसेट्स को सेल परचेज करते हो। और नेशनल डेट इंटरेस्ट, ये भी याद रख लेना इंपॉर्टेंट है, इसे भी हम लोग कंसिडर नहीं करते। इसके बाद आ जाती है यहाँ पे टॉपिक नंबर 7, और ये वही सेम चीज़ इसमें आपको मिल जाएगा। टॉपिक नंबर 7 जो है, देखो जी, वो कुछ ऐसे आइटम्स हैं, ये बड़ा ही आसान सा है, 7 के अंदर हमें पढ़ने हैं वो आइटम्स जिसको नेशनल इनकम में तो लेते हैं लेकिन डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड नहीं करते, एंड वो आइटम्स जिसको डोमेस्टिक इनकम में तो लेते हैं लेकिन नेशनल इनकम में नहीं लेते। नंबर 1, नंबर 2 क्या क्या है जी पढ़ो। सबसे पहला है जी सैलरी, सैलरी रिसीव बाय एन इंडियन एम्प्लॉयज वर्किंग इन जापानीज एम्बेसी। देखो, कोई इंडियन आदमी है, मान लो न्यू दिल्ली में जापान की एम्बेसी है, उसमें इंडियन पर्सन काम कर रहा है, इंडियन पर्सन, तो भाई इंडियन पर्सन काम कर रहा है तो उसके लिए वो क्या है, इनकम है, तो नेशनल इनकम में तो लोगे, लेकिन जो इंडियन पर्सन उस एम्बेसी में काम कर रहा है तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होता, तो इसलिए डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करते वक्त उसको हम कंसिडर नहीं करते। इसके अलावा क्या है, प्रॉफिट्स ऑफ ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन इंग्लैंड। अगर SBI का ब्रांच है, इंडियन बैंक है, वो किसी दूसरे देश में, तो जो भी प्रॉफिट्स कमाएगी तो नेशनल इनकम पे तो लिखोगे, क्योंकि नेशनल इनकम क्या होता है, ओवरऑल इनकम होता है, पूरे वर्ल्ड वाइड इनकम। लेकिन डोमेस्टिक में नहीं कमाया, वो तो बाहर विदेश की इनकम है, अब्रॉड की इनकम है, तो डोमेस्टिक इनकम में तो सिर्फ डोमेस्टिक की इनकम, तो डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करते वक्त बाहर की इनकम नहीं लेते हैं, राइट। तो नंबर 2 ध्यान से देखो, क्योंकि विदेश में इंडियन बैंक है तो वो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड वाले में आएगा, और जो जापानीज एम्बेसी इंडिया में है, ठीक है जी, तो वो भी क्या है, डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है दोनों, तो डोमेस्टिक इनकम ये दोनों नहीं आया, लेकिन नेशनल इनकम निकालते वक्त ये दोनों आया। इसके बाद एक है आपका रेंट रिसीव बाय कंपनी, रेंट रिसीव बाय कंपनी इन इंडिया विच इज़ ओन्ड बाय अ नॉन रेसिडेंट। तो भाई ये इंडिया में इनकम कमाई है तो डोमेस्टिक इनकम में आएगा लेकिन नेशनल इनकम में नहीं आएगा, ओके। इसके अलावा जो है प्रॉफिट्स ओन्ड बाय अ ब्रांच ऑफ अ फॉरेन बैंक इन इंडिया, तो यदि कोई फॉरेन बैंक है वो इंडिया में है, कोई फॉरेन बैंक है और इंडिया में है, उसने कोई प्रॉफिट कमाया है, ठीक है जी, तो उसको आप क्या करोगे, कंसीडर करोगे एज अ डोमेस्टिक इनकम, बट नेशनल इनकम में कंसीडर नहीं करोगे। तो ये 4 दो दो आइटम थे, तो ये हमारा टॉपिक नंबर 7 भी कंप्लीट होता है। अब आते हैं हम लोग टॉपिक नंबर 8 पे, नेशनल इनकम एट करेंट प्राइस एंड कॉन्स्टेंट प्राइस, नेशनल इनकम एट करेंट प्राइस एंड कॉन्स्टेंट प्राइस। अब आ जाती है नेशनल इनकम एट करेंट प्राइस एंड कॉन्स्टेंट प्राइस, तो ये वाला टॉपिक भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, इससे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कई बार, आपके सिंपल पेपर में भी गिवन है, ध्यान से सुनो। जो नेशनल इनकम होता है ना करेंट प्राइस, तो इसके लिए आप यहाँ पे आ जाओ जी, ये एक एग्जांपल है, सबसे पहले एग्जांपल समझते हैं। देखो, यदि मान लो कोई कॉमोडिटी है, देयर आर 3 कॉमोडिटी, नंबर 1 वीट, नंबर 2 क्लॉथ, नंबर 3 मिल्क, इसकी क्वांटिटी प्रोड्यूस कितनी हुई है, 1,500 and 250, ठीक है जी, केजी में, मीटर्स में और लीटर्स में, राइट। डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स है, डिफरेंट डिफरेंट मेजरमेंट होता है। इसकी करेंट ईयर की जो प्राइस है ना वो 12 केजी है वीट का, क्लॉथ का है 10 पर मीटर, और आपका 12 पर लीटर जो है मिल्क का प्राइस दिया हुआ है, करेंट प्राइस दिया हुआ है, करेंट प्राइस दिया हुआ है।
इसके अलावा जो बीस ईयर प्राइस है, बीस ईयर मान लो, बीस ईयर किसी और को माना होगा, मान लो बीस ईयर हमने 2000 सपोज 15 को मान रखा है और आज है 2000 सपोज 22 करंट ईयर, तो 20 ईयर का प्राइस ये था, ₹7 पर केजी उस टाइम पे मिलता था वीट, मान लो क्लॉथ ₹6 मीटर मिलता था, मिल्क ₹8 लीटर मिलता था। अब जब आप इस क्वांटिटी में करंट प्राइस से इंटू कर दोगे तो आपको यहाँ पे अगर आप करना चाहो ना तो एक काम कर लो, इसे आप लिख सकते हो क्या, आइटम नंबर 1, आइटम नंबर 2, आइटम नंबर 3। अब ये 4 निकालना है तो 4 आइटम कैसे आया है, आइटम नंबर 1 में इंटू करा है आइटम नंबर 2 से, और जो 20 ईयर प्राइस है आइटम नंबर 1 में आपने आइटम नंबर 3 से इंटू करा है तो आया है आपका, ठीक है जी। तो 1000 इंटू 12 करोगे तो 12000, लेकिन इस 1000 में जब आप 20 ईयर की प्राइस से करोगे तो 7000। तो इस टाइप से आया आपका मार्केट वैल्यू एट 20 ईयर एंड मार्केट वैल्यू ऑफ करंट प्राइस। अब यहाँ पे सुनो क्या है, तो नेशनल इनकम एट करंट प्राइस का मतलब क्या होता है, इट इज़ द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री मेजर्ड एट करेंट प्राइस। जो आज की प्राइस है, आज की जो डेट की जो प्राइस है, उस प्राइस पर जब हम नेशन इनकम मेजर करते हैं तो वो कहलाता है नेशन इनकम एट करेंट प्राइस, और इट इज़ ऑल्सो नोन एज नॉमिनल नेशनल इनकम। और ये क्या होता है, ये ट्रू पिक्चर नहीं दिखाता है, वो सच्चाई नहीं बताता है, ठीक है जी। और इसके अंदर जो चेंजेस होता है ना ऑफ इकोनॉमिक, क्या है, इट डज नॉट शो, और इट डज नॉट शो द ट्रू पिक्चर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ एन इकॉनमी एज एन इंक्रीज इन इकॉनमी नेशनल इनकम, यहाँ पे एन होना चाहिए, एन इंक्रीज इन नेशनल इनकम, दो बार लिखा गया, नीड यू राइज टू राइज इन द प्राइस लेवल विदाउट एनी चेंजेस इन फिजिकल आउटपुट, सिंस इन ऑर्डर टू एस्टिमेट द इफेक्ट ऑफ प्राइस चेंजेस नेशनल इनकम इज ऑल्सो एस्टिमेटेड एट अ कॉन्स्टेंट प्राइस। तो भाई क्या होता है, आपकी क्वान्टिटी वही है, करेंट प्राइजेस बढ़ गया, तो ये ट्रू पिक्चर नहीं दिखाता, लेकिन जब हम नेशनल इनकम एट कॉन्स्टेंट प्राइस की बात करें तो ये बेस ईयर प्राइस पे बेस्ड होता है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज रियल इनकम, रियल नेशनल इनकम, एंड इट शोज द ट्रू पिक्चर बिकॉज इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री एज एनी इंक्रीज इन रियल नेशनल इनकम इज ड्यू टू इंक्रीज इन आउटपुट। तो भाई देखो आउटपुट वही सेम है, अगर मैं बात करूँ करेंट वाले का, देखो आउटपुट तो वही सेम है, करेक्ट है, आउटपुट तो वही सेम है, बेस ईयर की प्राइस जो था तो टोटल ₹12,000 आ रहा नेशनल इनकम, लेकिन प्राइस लेवल चेंज हो गया तो सिर्फ उसकी वजह से क्या हो गया, तो आउटपुट तो वही सेम ही है, प्राइस इंक्रीज होने की वजह से ये इनकम जो है आपकी 12 से 20 हो गया, तो ये जो है ट्रू पिक्चर नहीं दिखाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया भैया, इन्फ्लेशन हुआ, प्राइस चेंज हुआ, अगर आउटपुट आपकी बढ़ी तो वो एक्चुअल में आपका क्या हुआ, ग्रोथ हुआ, वैल्यू इंक्रीज हुआ, वैल्यू ऐड हुआ, तो आपको वो कहलाता है क्या कि आपकी नेशनल इनकम यानी इकोनॉमी की ग्रोथ हुई है एक्चुअली में। तो जो नेशनल इनकम एट करेंट प्राइस होता है वो ट्रू पिक्चर नहीं दिखाता है और उससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट सही से नहीं दिखता, लेकिन जो आपकी नेशनल इनकम एट बेस ईयर प्राइस होता है यानी कि कॉन्स्टेंट प्राइस होता है उससे आपका ट्रू पिक्चर दिखता है और उससे एक्चुअल में इकोनॉमिक ग्रोथ का पता चलता है, ठीक है जी। तो ये एक एग्जाम्पल था, इसके एक और एग्जाम्पल होते हैं तो वो मैंने आपको दिखाया नहीं। नाउ पॉइंट नंबर 9 पे आ जाओ, 9 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, नॉमिनल GDP और रियल GDP, इसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाता है 3 to 4 मार्क्स का, तो इसको हम लोग इसके अंदर GDP डिफ्लेटर और प्राइस इंडेक्स भी इसको बोलते हैं। तो GDP डिफ्लेटर और प्राइस इंडेक्स का मीनिंग क्या होता है, इट इज़ दी मेजर्स ऑफ एवरेज लेवल ऑफ प्राइजेस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज दैट मेकअप GNP। तो कई बार क्वेश्चन आपको रहेगा क्या GNP डिफ्लेटर, कई बार GDP डिफ्लेटर भी रहेगा, दोनों का मतलब सेम है, GDP रहे या GNP रहे, ठीक है जी। मेनली आपको क्या लिखना है, नॉमिनल GNP अपॉन रियल GNP इंटू 100, और GDP डिफ्लेटर अगर दे दे वो पूछ दे GDP डिफ्लेटर, ठीक है जी। तो आपको लिखना है नॉमिनल, नॉमिनल यहाँ पे GNP की जगह GDP लिख लो और नीचे में तो वही है रियल GDP और इंटू 100, दैट्स इट। तो ये चीज़ आपको करना है, और इसी को प्राइस इंडेक्स भी कहते हैं। तो नॉमिनल GDP क्या होता है, GDP एट कॉन्स्टेंट प्राइस भी इसको बोलते हैं, नॉमिनल को GDP एट करेंट प्राइस भी बोलते हैं, एंड जो आपका रियल GDP होता है उसको GDP एट कॉन्स्टेंट प्राइस भी बोलते हैं, या यू कैन से कि जो आपका नॉमिनल GNP होता है, ठीक है जी, तो उसे हम बोलेंगे GNP एट करेंट प्राइस, और जो रियल GNP होगा उसे हम बोलेंगे GNP एट कॉन्स्टेंट प्राइस, राइट। यदि दोनों इक्वल है दैट मीन्स कि प्राइस लेवल इन बोथ ईयर जो है सेम है, लेकिन यदि रियल GDP इंक्रीज है ग्रेटर देन है नॉमिनल GDP से, तो इसका मतलब है प्राइस लेवल जो है बेस ईयर का क्या है वो ज़्यादा है, और यदि लेसर है तो प्राइस जो है बेस ईयर का क्या है कम है, सो सिंपल। अब GDP डिफ्लेटर और प्राइस इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल भी बताया, जो फार्मूला है फार्मूला वही है, GDP डिफ्लेटर बोले तो नॉमिनल GDP अपॉन रियल GDP इंटू 100 ऊपर भी लिख दिया। अब देखो यहाँ पे एक एग्जांपल है,
एग्जाम्पल में क्या बोला है, इफ नॉमिनल जी डी पी इज 15,000 करोड़ एंड रियल जी डी पी इज 12,000 करोड़, देन जी डी पी डिफ्लेटर कितना होगा, 15,000 अपॉन 12,000 × 100 तो इक्वल्स टू जो भी आएगा 125। और ये 125 जी डी पी डिफ्लेटर है, या इसको हम प्राइस इंडेक्स भी बोलते हैं, प्राइस इंडेक्स भी बोलते हैं। और यदि क्वेश्चन में प्राइस इंडेक्स दे दे और नॉमिनल दे देगा रियल पूछेगा, या प्राइस इंडेक्स दे देगा रियल दे देगा और नॉमिनल पूछेगा, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये रहा सेकेंड एग्जाम्पल। इसमें पूछा है, इन दी अबव एग्जाम्पल वी कैन ऑल्सो कन्वर्ट नॉमिनल जी डी पी इंटू रियल जी डी पी एंड रियल जी डी पी इंटू नॉमिनल। तो अगर रियल निकालना है आपको तो नॉमिनल अपॉन जी डी पी डिफ्लेटर यानी प्राइस इंडेक्स इंटू 100, तो 15,000 इन डिवाइड बाय 125 इंटू 100 कर दोगे तो 12,000 आ जाएगा। और यदि आपको जी डी पी डिफ्लेटर का फॉर्मूला लिखना है तो नॉमिनल जी एन पी लिखना है तो जी एन पी नॉमिनल जी एन पी अपॉन रियल जी एन पी इंटू 100। कहने का मतलब देखो, यदि क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन में दे दे प्राइस इंडेक्स, सुनो जी ये दे दे रहा हूँ प्राइस इंडेक्स 125, और आपको क्वेश्चन में दे दे रियल जी डी पी, मान लो जी 10,000 दे देता है, और आपको पूछेगा नॉमिनल निकालो जी, नॉमिनल जी डी पी निकालो, तो आप कैसे निकालोगे? तो इसमें आप फार्मूला वही लिखो, पी आई प्राइस इंडेक्स या जी डी पी डिफ्लेटर एक ही बात है, इक्वल्स टू नॉमिनल जी डी पी अपॉन रियल जी डी पी इंटू 100। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, ये दिया हुआ है 125, नॉमिनल जी डी पी हमें निकालना है, ओके, और रियल जी डी पी दिया हुआ है 10,000 और इंटू 100, और वो जो परसेंटेज होता है तो वो आपको लिखना नहीं है, परसेंटेज में दिया रहेगा तो आपको 100 इंटू नहीं करना, दैट्स इट। अब इसको कर दो 20 से 20 और ये इधर पे आ जाएगा तो 125,000, तो 12,500 आपका आ गया क्या नॉमिनल जी डी पी। तो इस हिसाब से आप नॉमिनल देगा तो रियल दे देगा तो नॉमिनल निकाल लोगे, अगर नॉमिनल देगा रियल जी डी पी पूछेगा तो आप रियल भी निकाल सकते हो, ठीक है। और सिंपल पूछ देगा जी डी पी डिफ्लेटर निकालोगे प्राइस इंडेक्स, तो भी आप आसानी से निकाल सकते हो, इसका तो एग्जाम्पल यहाँ पे दिया ही है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है जी डी पी एंड वेलफेयर है, ध्यान से सुनो जी डी पी एंड वेलफेयर है, ध्यान से सुनना। जी डी पी एंड वेलफेयर में क्या है टॉपिक, ये पढ़ो, क्या कह रहा है, जी डी पी इज ऑफन कंसिडर एज एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो कहने का मतलब, यदि जी डी पी बढ़ा है, जी डी पी अच्छा चल रहा है किसी भी इकोनॉमी का, तो दैट मीन्स कि वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमी जो है अच्छी चल रही है, बट ऑलवेज ऐसा नहीं होता, ठीक है जी, बट इट इज़ नॉट 100% करेक्ट। अब सुनो ऐसा क्यों नहीं है, ध्यान से सुनना। कहने का मतलब क्या है, अगर भाई देखो जिस कंट्री का जी डी पी ज़्यादा होता है ना, तो नॉर्मली हम मानते हैं उस कंट्री का डेवलपमेंट ज़्यादा तेज़ गति से हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे चाइना की जो जी डी पी है सबसे ज़्यादा है वर्ल्ड वाइड अभी चल रही है, ठीक है जी, तो बहुत तेज़ गति से वो अपने कंट्री को डेवलप कर रहा है। बट ऐसा जो है एकदम 100% कहना मुश्किल है कि भाई हर कंट्री का अगर जी डी पी ज़्यादा है, दैट डज नॉट मीन्स कि भाई उसका इकोनॉमिक ग्रोथ भी जो है बहुत ज़्यादा या वेलफेयर भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इसमें क्या क्या, हाउएवर दिस जनरलाइजेशन में नॉट बी करेक्ट ड्यू टू दी फॉलोइंग लिमिटेशंस और रीजंस। तो ये कुछ इसके लिमिटेशंस हमें पढ़ने हैं, 5 हैं टोटल, ठीक है जी। तो जी डी पी एंड वेलफेयर, जी डी पी अगर बढ़ता है तो वेलफेयर ऑफ द इकॉनमी जो है जरूरी नहीं है कि हमेशा इंक्रीज ही हो, इसके कुछ लिमिटेशंस है। कौन कौन से, दीज आर दी 5 लिमिटेशंस, और इससे क्वेश्चन आपके सैम्पल पेपर में आए हुए हैं, एक्सटर्निटी से क्वेश्चन आए हुए हैं सैम्पल पेपर में, 1 मार्क्स का आई गेस आया हुआ है या 2 मार्क्स का, अभी आपको अभी दिखा दूंगा, ये लो सैम्पल पेपर के क्वेश्चन भी। चलो अब डिस्कस, अगर मैंने जिक्र कर दिया, डिस्कस कर दिया है, तो आपको क्वेश्चन एक बार दिखा दूँ, ये रहा, तो आपको समझ में आ जाएगा इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। क्वेश्चन जो है ये रहा, क्वेश्चन नंबर 2 मार्क्स का है, नंबर 1, जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, कि एक्सप्लेन दी डिस्टिंग्विश बिटवीन पॉजिटिव एक्सटर्निटीज़ एंड निगेटिव एक्सटर्निटीज़ इन 2 मार्क्स। तो ये क्वेश्चन जो है आपका यहीं से, राइट, तो अब आ जाओ जी यहाँ पे, और यहाँ पे थे हम, एक्सटर्निटीज़ से ही है, राइट। तो ये देखो कुछ लिमिटेशंस हैं जीडीपी एंड वेलफेयर के, कौन कौन से, नंबर 1 है कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी क्या होता है, देखो अब एक्चुअली इकोनॉमी में क्या होता है, अगर जीडीपी ज़्यादा है ना किसी भी कंट्री का, तो इसका मतलब यही नहीं है कि वो अच्छे से वेलफेयर कर रहा है, बिकॉज जीडीपी ज़्यादा कई बार क्या होता है इकोनॉमी के अंदर, देयर आर 3 सेक्टर्स, प्राइमरी, टर्टरी एंड सेकेंडरी। तो कई बार एक सेक्टर का जीडीपी ज़्यादा होता है, किसी दूसरे सेक्टर का जीडीपी कम होता है, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी जो है वो सभी लेवल पे इक्वली नहीं है। तो इसमें क्या लिखा है, जीडीपी शोज द टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द इकॉनमी इन द इकॉनमी, हाउएवर इट डज नॉट एग्जिबिट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट। इफ इंक्रीज इन जीडीपी इज मेनली ड्यू टू इंक्रीज इन प्रोडक्शंस ऑफ वॉर इक्विपमेंट्स एंड एम्यूनिटीज इंस्टीट्यूट ऑफ मशीनरी एंड कैपिटल इक्विपमेंट, दैन सच इंक्रीज कैन नॉट एसोसिएटेड विद द इंप्रूवमेंट ऑफ द इकॉनमी वेलफेयर। दैट मीन्स कि यदि मान लो सिर्फ और सिर्फ डिफेंस वाले गुड्स का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा करा है किसी कंट्री ने, तो भाई डिफेंस वाले गुड्स एंड सर्विसेज का जब आप प्रोड्यूस करोगे तो जी डी पी तो आपको ज़्यादा होगा,
लेकिन उससे एक्चुअल में वेलफेयर नहीं होता, उससे एक्चुअली में जो है आपका वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमी नहीं होता, क्योंकि वही वार वाले गुड्स हैं भाई, खाने पीने के गुड्स बनाओगे, रहने के कपड़े ये सब, तो उससे इकोनॉमी का वेलफेयर बढ़िया होता है, लोग तरक्की करते हैं, लेकिन वार वाले गुड्स बना रहे हो भाई साहब, ठीक है जी, तो उससे GDP तो बढ़ जाएगी लेकिन आपका वेलफेयर नहीं होगा। इसके अलावा क्या, चेंज इन प्राइजेस, चेंज इन प्राइजेस, तो एन इंक्रीज इन GDP इज़ ड्यू टू राइज इन द प्राइस, अगर गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस बढ़ जाता है तो GDP भी इंक्रीज हो गए, लेकिन इससे एक्चुअली में वेलफेयर नहीं हुआ भाई, गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस बढ़ गए ना, इन्फ्लेशन हो गया भाई, एक्चुअली में गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो आएगा ना GDP, तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे। सेकेंड है नॉन मॉनिटरी एक्सचेंज, नॉन मॉनिटरी एक्सचेंज, मेनी एक्टिविटीज इन एन इकॉनमी आर नॉट इवेल्यूटेड इन द मॉनिटरी टर्म्स, फॉर एग्जाम्पल नॉन मार्केट ट्रांजेक्शन लाइक सर्विसेज ऑफ हाउस वाइफ, किचन गार्डनिंग, ठीक है जी, तो इन सबको हम क्या करते हैं, इन सबको हम मॉनिटरी टर्म्स में इंक्लूड नहीं कर सकते, सॉरी, इन सबको हम मॉनिटरी टर्म्स में कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, नहीं करते हैं, तो इसकी वजह से हम एक्चुअल जो है GDP और वेलफेयर को हम क्या कह सकते हैं, सही नहीं ठहरा सकते हैं, क्योंकि भाई जो GDP निकाल रहे हो ना, तो जो आपकी मदर ने, हाउस वाइफ ने घर पे खाना बनाया, आपके पापा ने आपको खुद पढ़ा दिया, ठीक है जी, तो इन सब की जो मनी के टर्म्स में हम वैल्यू कंसिडर ही नहीं करते, तो इनको हम GDP में लेते ही नहीं है, तो उससे GDP क्या है, उतना का और ज़्यादा इंक्रीज होना चाहिए था, राइट, तो वेलफेयर और ज़्यादा दिखता, तो लेकिन उससे GDP कम है, राइट, तो वेलफेयर एक्चुअली में दिखेगा नहीं, तो GDP ज़्यादा और वेलफेयर कितना है वो एक्चुअली में सही शो नहीं करता है। तो सिंपल लिखा हुआ है क्या, मेनी एक्टिविटीज इन एन इकॉनमी नॉट इवेल्यूटेड इन मॉनिटरी टर्म्स, और यू कैन सिंपली से नॉट इंक्लूडेड इन GDP, फॉर एग्जाम्पल नॉन मार्केट ट्रांजेक्शन्स लाइक सर्विसेज ऑफ हाउस वाइफ, किचनिंग, गार्डनिंग आर नॉट इंक्लूडेड इन GDP, तो ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा, हाउ एवर सच एक्टिविटीज इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक वेलफेयर। आगे क्या है, एक्सटर्निटीज, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई साहब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लो, एक्सटर्निटीज क्या है, सुनो, एक्सटर्निटीज रेफर्स टू द बेनिफिट्स और हार्म्स, ऑलवेज रिमेंबर एक्सटर्निटीज का मतलब होता है हार्म भी और बेनिफिट्स भी, कॉज बाय अ फर्म, कॉज बाय अ फर्म और एन इंडिविजुअल फॉर विच दे आर नॉट पेड और पेनालाइज, फॉर एग्जाम्पल इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन होता है कॉज बाय इंडस्ट्रियल प्लांट्स, सच एज एक्सटर्नल इफेक्ट्स डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ मार्केट ट्रांजेक्शन, GDP डज नॉट कंसिडर सच निगेटिव एक्सटर्निटीज। तो देखो यदि आपको जो है ना कई सारे क्या होते हैं, देखो यहाँ पे क्वेश्चन भी है डिस्टिंक्शन, तो पॉजिटिव एक्सटर्निटीज का मतलब क्या होता है, बेनिफिट्स, और निगेटिव एक्सटर्निटीज का मतलब होता है हार्म्स, तो कॉज बाय वन एंटिटी टू अनदर एंटिटी विदाउट बींग पेड फॉर इट, एंड इट इज हार्म कॉज बाय वन एंटिटी टू अनदर एंटिटी विदाउट बींग पेनालाइज फॉर इट। तो कई बार क्या होता है, देखो यदि आपको कोई बेनिफिट्स मिलता है, किसी एक फर्म को किसी दूसरे फर्म से कोई बेनिफिट मिल जाता है, तो उसे आप क्या बोलोगे, बेनिफिट्स बोलोगे, एक्सटर्निटीज, एक्सटर्नल बेनिफिट्स, एक्सटर्निटीज। और जब आपको कोई नुकसान होता है किसी एक पर्सन से, किसी एक ने फैक्ट्री बैठाया और वो इन्वायरमेंट पॉल्यूशन करते चला जा रहा है, तो वो बाकी लोगों के लिए क्या है, हार्मफुल है, गैसेज निकलेगा, ठीक है, वाटर पॉल्यूशन होएगा, एयर पॉल्यूशन होएगा, तो उसकी वजह से लोगों को, सोसाइटी को क्या हो रहा है, हार्म हो रहा है, ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड एक्सटर्निटीज़, और वो आपका क्या होता है, निगेटिव एक्सटर्निटीज़ होता है। पॉजिटिव एक्सटर्निटीज़ किसी ने बढ़िया सा क्या करा, पेड़ पौधे लगा दिया, गार्डनिंग बना दिया, पार्क बना दिया, रोड्स बना दिए, तो उससे क्या है, सोसाइटी को, लोगों को, अदर पर्सन को बेनिफिट मिल रहा है, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी मिल गई, तो आपका पॉजिटिव एक्सटर्निटीज़ होता है सिंपल सिंपल वे में। और दूसरा होता है आपका क्या, निगेटिव एक्सटर्निटीज़, मतलब दूसरे की वजह से किसी पहले वाले पर्सन को कोई हार्म हो जाए, तो ये था आपका एक्सटेंटीज। इसके बाद एक लास्ट पॉइंट है क्या, रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, तो GDP डज नॉट कंसिडर द चेंज इन द पॉपुलेशन ऑफ अ इकॉनमी इफ द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज हायर देन द रेट ऑफ GDP। देखो जी, देखो अगर GDP का रेट है 5%, मान लो पॉपुलेशन का रेट है मान लो 6%, तो एक्चुअली में वो वेलफेयर नहीं होगा, क्योंकि भाई यदि GDP का रेट जो है ना पॉपुलेशन ग्रोथ रेट से ज़्यादा होगा तब वेलफेयर होता है, तब सोसाइटी का, इकोनॉमी का, किसी भी कंट्री का वेलफेयर ज़्यादा आएगा, क्योंकि भाई पॉपुलेशन जिस गति से बढ़ रहा है उससे कम गति से GDP बढ़ रहा है, तो भाई पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ेगा तो उनको गुड्स, सर्विसेज, सारी चीज़ें, रहने खाने की चीज़ें बहुत ज़्यादा चाहिए, लेकिन उस तुलना में GDP रेट कम हो रहा है, मतलब गुड्स का प्रोडक्शन वगैरह जो है बहुत कम हो रहा है, तो इसलिए वेलफेयर नहीं हो पाएगा, राइट। लेकिन वेलफेयर कब होगा, जब GDP का बहुत ज़्यादा आएगा और प्रोडक्शन, पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट क्या है, बहुत कम है, तो ज़्यादा वेलफेयर होएगा, दोनों इक्वल रहेगा तो और अच्छी बात है, राइट। तो ये होता है आपका क्या, एक्सटर्निटीज़। तो कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ GDP इंक्रीज़ होने से, GDP अच्छा होने से हम ये नहीं कह सकते कि भैया वेलफेयर ऑफ अ इकॉनमी हो ही रहा है, बिकॉज पांच है मेन रीज़न है इसके,
क्या लिमिटेशंस हैं। नंबर वन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, नंबर टू याद रख लेना चेंज इन प्राइस लेवल, इसके अलावा नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस एक्सटर्निटीज, और आपका आ जाता है रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। फिर इसके बाद अगर डिफरेंस का क्वेश्चन आएगा रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी, तो आप आसानी से डिफरेंसेस लिख सकते हो। जीडीपी कैलकुलेट होता है किस पे, रियल जीडीपी होता है बेस ईयर पे, बेस ईयर पे, और नॉमिनल होता है करंट ईयर पे, ठीक है जी। फ्लक्चुएशंस, तो फ्लक्चुएशंस इन दी फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्राइस रिमेन कॉन्स्टेंट रहता है रियल में, लेकिन इसमें प्राइस ही चेंज होता है, ओके। और कैलकुलेट क्या होता है, कॉन्स्टेंट प्राइस, और ये करंट प्राइस पे होता है। इसके अलावा ये रियल इंडिकेटर है इकोनॉमिक ग्रोथ का, लेकिन ये रियल इंडिकेटर इकोनॉमिक ग्रोथ का नहीं होता है, नॉमिनल वाला, राइट। तो ये हमारे यहाँ तक थ्योरी के सारे टॉपिक कवर हो गए हैं। इसके अलावा आते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे, तो मैं आपको जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है करवा दूं या छोड़ दूं, तो एक घंटा हो चुका है। तो अब एक काम करते हैं, आपको जो है क्वेश्चन जो है इसके अंदर रहने देते हैं, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है ना वो हम लोग क्या कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर कर लेंगे इसके न्यूमेरिकल पार्ट। तो इस लेक्चर्स के अंदर जो है मैंने आपको क्या कराया है, सारे के सारे टॉपिक जो है चैप्टर नंबर 4 के रिवाइज करा दिए। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू जिन लोगों का एग्ज़ाम है, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, साथ साथ में सब्सक्राइब कर लेना चैनल। मैं सारे चैप्टर्स का रिवीजन वीडियोज जो है अपलोड कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप कर सकते हो। और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करो, साथ साथ में आप सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दो, ठीक है जी। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।